बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाजिल तय करें। पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज में जिन दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जो करना चाहते हैं या जिन्होंने आज से पहले इन्वेस्टमेंट की हुई थी, उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की रैली को इंजॉय किया है, बुलिश रैली को इंजॉय किया है, जो 40,000 पॉइंट से स्टार्ट हुई और अभी लाइक 56,000 57,000 पॉइंट्स के ऊपर जाके रुकी हुई है। तो ये 16,000 पॉइंट्स का जो की ग्रोथ हुई वो इतनी ही शानदार और इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि काफ़ी लोगों ने इस पूरे कंप्लीट बुल रन को मिस किया। और अभी दे आर थिंकिंग कि यार हम क्यों मार्केट से आउट हो गए और हमने क्यों नहीं अपने जो शेयर्स हैं उनको होल्ड करके रखा और क्यों हम रॉन्ग टाइम के ऊपर मार्केट से एग्जिट हमने लिया और क्यों अभी जो राइट टाइम था हमें मार्केट में होना चाहिए था। तो जब मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया आज से 2.5-3 साल पहले एज ए साइड हसल के यार चलें थोड़ा थोड़ा एक इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ, तो एक चीज़ जो बड़ी शिद्दत से मुझे बताई जाती थी जिन लोगों को मैं फॉलो करता हूँ इन्वेस्टिंग में, तो वो एक बात कहते थे कि अगर आप पूरे 10 सालों में मार्केट के जो 8-10 दिन हैं या 8-10 महीने अगर आप उस 10 महीनों में मार्केट में इन्वेस्टेड नहीं है तो आपके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो लाइक 100-200% उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। जो मेरे लिए समझना इनिशियली तो बड़ा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन जब ये मार्केट ने रैली ली लाइक इन जो स्टार्ट हुई रैली वो मई के एंड या जून के स्टार्ट में स्टार्ट हुई और ये फिर ख़त्म हुई, अभी स्टिल चल रही है, अभी हम नवंबर में, तो ये रैली कंटिन्यूसली इसने 16,000 पॉइंट 40,000 से स्टार्ट किया और इस आलमोस्ट 56-57,000 पॉइंट के ऊपर आके रुकी हुई है। तो सर आइज़क न्यूटन वो ये बात बड़े वसूख से कहते होते थे कि वो कहते हैं कि मैं जो स्टार्स की मूवमेंट है, जो तारों और सितारों का वे है या ऑर्बिट है, उसको तो मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कि हाउ दे आर गोइंग टू मूव, लेकिन जो इंसान की मैडनेस है या इंसान के जो इमोशंस हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, मैं वो नहीं बता सकता। तो इन्वेस्टमेंट स्पेशली वो किसी भी फील्ड के अंदर है, किसी भी डोमेन के अंदर है, लेकिन इन पर्टिकुलर अगर आप स्टॉक्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं तो उसमें जो 5% है वो आपकी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं, 95% आपकी साइकोलॉजी है, हाउ यू बिहेव इन द डिफ़िकल्ट टाइम्स या टफ टाइम के अंदर आप बिहेव कैसे करते हैं। नासा के फेमस एस्ट्रोनॉट हैं वो भी यही बात कहते हैं कि जो क्रिटिकल टाइम होता है लाइफ में, आपको जब आप मिशन पे होते हैं, आप स्पेस शटल में होते हैं, तो उस क्रिटिकल टाइम में जब आपने कुछ की डिसीजंस लेने होते हैं तो वो आपकी साइकोलॉजी और आपका जो नॉलेज बेस है वो इम्पोर्टेंट होता है, ना कि आपकी बाकी चीज़ें। तो मैं आप जो दोस्त अहबाब हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक की डोमेन में मज़ीद जानना चाहते हैं या मज़ीद कोई रहनुमाई लेना चाहते हैं, आई एम अवेलेबल फॉर देट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, तो आई विल ट्राई के एंड इट्स फ्री, मैं फॉर श्योर कुछ भी चार्ज नहीं करता, तो अगर आई विल बी हैप्पी कि मैं आपकी कोई गाइडेंस आपको कोई गाइडेंस दे सकूं या आपसे मैं पर्टिकुलरली कोई रहनुमाई ले सकूं। तो अगर मैं इस पूरे इन्वेस्टमेंट जर्नी को जो तकरीबन 2.5-3 साल की है इसको सम अप करूँ तो वो यही एक सेंटेंस है कि इन्वेस्टिंग इज़ ऑल अबाउट फ्यू क्रिटिकल डिसीजंस, दैट इज़ द 5% एंड 95% इज़ द साइकोलॉजी के आप डिफ़िकल्ट टाइम्स में कैसे बिहेव करते हैं या डिफ़िकल्ट टाइम्स में आपका एटीट्यूड टूवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट कैसा है। तो यही आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर आइदर इट विल क्रिएट अ प्रॉफिट और इट विल क्रिएट अ ह्यूज डेंट, तो इट्स अप टू यू। आप इन्वेस्टेड रहें मार्केट में जब बुरा टाइम हो, जब मार्केट में पेसिमिज्म हो, जब सब लोग मायूस हों, दैट वाज द राइट टाइम, आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिल रही होती हैं, आप ख़रीदें और एंड एंजॉय दिस लॉन्ग बुलिश रन ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज।
अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।